हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर एच के भलंग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट आता है और कुछ एक्यूट सिम्टम्स बताता है, जैसे कि सिर्फ उल्टी हो रही और बाकी के कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, सिर्फ चक्कर आ रहे हैं, कहीं घूमने गए और चक्कर आने लग गए और बाकी के कोई सिम्टम्स नहीं है, जब ऐसे केस होते हैं तब आपको तुरंत फर्स्ट एड जिस तरह से रिमेडी देना होती है, और होम्योपैथी में ऐसी फर्स्ट एड बहुत सारी रिमेडी है जो आप तुरंत दे के रिजल्ट ले सकते हैं। तो इन मेडिसिन के बारे में मैंने अपनी वेबसाइट पे भी पूरी लिस्ट दी हुई है, आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं और इन्हें अपने डेली प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉप फर्स्ट एड रिमेडी इन होम्योपैथी में सबसे पहली जो रिमेडी है, सबसे पहली जो कंडीशंस है वो है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस में हम यूज कर सकते हैं कोका, आर्सेनिक एल्बम, कैक्टस, ग्रैंडिफोलिया। नेक्स्ट है एंजाइटी या वीकनेस। ऐसे पेशेंट में एंजाइटी या वीकनेस के लिए हम जलसीमियम यूज कर सकते हैं। जो सो ब्रूसिंग के केस में दो मेडिसिन है, आर्निका और लेडम। अगर आपको कोल्ड, डेम्प कोल्ड में वर्स कंडीशन है, उसकी और खराब कंडीशन होती है, उसको दर्द तकलीफ और बढ़ जाती है, आर्निका यूज करें। अगर कोल्ड एप्लीकेशन से उसको एमिलियरेशन होता है, राहत मिलती है, लेडम यूज करें। नेक्स्ट है बर्न के लिए हम कैंथेरीज यूज कर सकते हैं, चिलबेन या इसको बीवाई भी कहते हैं। इसके अगर कोल्ड कंडीशन में तकलीफ और बढ़ जाए, कैल्केरिया कार्ब है। अगर गर्म एप्लीकेशन से तकलीफ बढ़ जाए तो पल्सेटिला है। सो चिलबेन के लिए भी दो मेडिसिन है, कैल्केरिया कार्ब और पल्सेटिला। नेक्स्ट है कोलिक पेन। जब कोलिक पेन का पेशेंट आता है, कोलोसिंथ बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा यूज है कोलोसिंथ का। कॉन्स्टिपेशन के केस में लाइकोपोडियम आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कफ कफ में दो मेडिसिन बता रहा हूं मैं आपको, एक प्रोटेक्टिव कफ में इपिकाक यूज कर सकते हैं और ड्राई कफ में ब्रायोनिया यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन कट के लिए है, कट में कैलेंडुला या हाइपेरिकम टिंचर का यूज कर सकते हैं, इसका मदर टिंचर यूज करते हैं, कैलेंडुला हाइपेरिकम। डायरिया के केस, नेक्स्ट डायरिया कंडीशन है, डायरिया में अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया हुआ है तो आर्सेनिक एल्बम यूज होता है, और अगर ओवर ईटिंग ऑफ इन्फेंट्स, मतलब इन्फेंट में ओवर ईटिंग के कारण होता है, नक्स ओमी का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोफ्यूज डायरिया एग्जॉशन, मतलब कि दस्त में आदमी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, उसकी सारी ताकत चली गई है, वेरेटम यूज बहुत अच्छा है, उपयोग है। एग्जॉशन के लिए, मतलब वीकनेस के लिए, बिल्कुल आदमी निचोड़ गया हो उसके लिए, अगर फिजिकल है तो आर्निका है, और अगर हीट की वजह से एग्जॉशन हुआ है तो लीकेसिस है। फियर, चिंता में, शंका में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा उपयोग है। फ्लाइंग प्रॉब्लम, अगर आप जैसे हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, या फिर किसी बस में चढ़ रहे हो और आपके ईयर पेन हो रहा है डलान एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, पल्सेटिला बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। फूड पॉइजनिंग के केसेस में आर्सेनिक एल्बम यूज होती है। फोर्स बाइट या एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, जैसे कि बर्फ वर्फ की ज़्यादा उपयोग करने की वजह से या ठंडे प्रदेशों की वजह से, इसमें सिकाले बहुत अच्छा उपयोग होता है। हेडेक, हेडेक में दो मेडिसिन आती है, बेलाडोना और नटमर। जब लाइट या नॉइज की वजह से हेडेक और बढ़ जाए और ऐसा दर्द हो, सिर दर्द ऐसा हो जिस तरह से हथौड़े चल रहे हो, बेलाडोना यूज करते हैं। और जब हेडेक, सर का दर्द आंखों के आसपास हो, नटमर यूज करते हैं, बहुत अच्छा लाभ देती है। उसके बाद स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, ब्लोनाइन का यूज करें, बहुत अच्छा उपयोग होगा। इनडाइजेशन ऑफ ओवर इंटेलिजेंस, नक्स वोमिका। इन्फ्लुएंजा के लिए एनास बार्ब 200 पोटेंसी, 1 डोज 4 आवरली। नेक्स्ट है जेट लैग, ऐसा दर्द जैसे कि आप लंबे समय से यात्रा कर रहे हो और बिल्कुल दर्द के मारे कराह रहे हैं, आप आर्निका यूज करें, अंगों के दर्द में आर्निका यूज करें। फिजिकल टायर्डनेस अगर हो रही है, हेवीनेस ऑफ लिम, ऐसे लगता है हाथ पैर भारी हो गए हैं, जिल्सेमियम यूज करें। मेंस्ट्रुअल क्रॉम्पिंग,
छोटी बच्चियों में मेंस्ट्रुअल क्रॉम्पिंग देखा गया है, बड़ों में भी देखा गया है, कोलोसिंथिस यूज करें मसल क्रॉम्पिंग के लिए, जैसे लेग पेन हो रहा है, और जब आप वार्म एप्लीकेशन करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेकफॉस इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके घुटने के नीचे पीछे मसल्स पेन करती है और नीचे दर्द करती है, क्यूप्रम बहुत अच्छी मेडिसिन है। मसल स्प्रेन एंड स्ट्रेन के लिए आर्टिका, आर्निका और रूटा यूज़ कर सकते हैं। सेल्फिश पॉइजनिंग के लिए आर्टिका यूरेन से, अगर कोई बीमारी शॉक की वजह से है या शॉक लग गया है या कोई बच्चा डर गया है, एकोनाइट यूज करें। किसी ने काट लिया है, डंक मार लिया है, मॉस्किटो काट लिया है, एनिमल ने डंक मार लिया है, आप लीडअप का यूज कर सकते हैं। प्लांट पौधे के जैसे कांटे लग गया हो या बिच्छू का जैसे काटा हो, रस टॉक से यूज कर सकते हैं। ट्रेवल सिकनेस की वजह से किसी को चक्कर आते हो, कोक्यूलस यूज कर सकते हैं। और अगर ठंडी हवा से आराम पड़ता हो उस ट्रेवल सिकनेस में, तो आप टाबाकम यूज कर सकते हैं। अगर आप दांतों की मरम्मत कराने गए हैं अपने डेंटिस्ट के पास में, तो यहाँ पर अधिकतर आप आर्निका का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्लांटेगो क्यू, ग्रेट रिमेडी फॉर टूथ सेंसिटिविटी, अर्ली पल्प एक्सपोजर एंड स्टेप सिग्रिया भी यूज कर सकते हैं। साइलेशिया पस इन गम्स और स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। चेरोनेंथस चेरी जो मदर टिंचर में यूज करते हैं, विजडम टीथ इरप्शन प्रॉब्लम में इसका अच्छा यूज होता है। चेरोनेंथस चेरी में जो लास्ट डाड होती है वहां पर कभी कभी दर्द होता है, वो निकलने में दर्द होता है, चेरोनेंथस चेरी मदर टिंचर यूज करें। बोरेक्स और नाइट्रिक एसिड, ये दो मेडिसिन है जो माउथ अल्सर में अच्छा उपयोग कर सकते हैं आप। जब आपको कोई सिम्टम्स दूसरे ना मिले, तब आप बोरेक्स और नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। नक्स वोमिका का आप इंडिकेटेड चिल्ड्रन हु वोमिट बिफोर गोइंग टू डेंटिस्ट, जब बच्चा डेंटिस्ट के जाने से पहले ही उल्टी कर दे, नक्स वोमिका दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा एंड हाइपेरिकम एंड कॉस्टिकम, इट ट्रेमेंडसली हेल्पफुल इन इम्प्लांट सर्जरी, पर्टिकुलरली व्हेन द बोन इज सर्जिकली प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांट्स। बोन के सर्जिकली प्रिपेयर्ड होने के लिए रूटा, हाइपेरिकम और कॉस्टिकम दीजिए। माइरिस्टिक एसिया इज ए एब्सोल्यूट मेजिकल रिमेडी इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक्स। हेपरसेल्फ नो डाउट एब्सेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फेरम फॉस ब्लीडिंग प्रॉब्लम के लिए या फिर फॉस्फोरस, दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है ब्लीडिंग में। हाइपेरिकम वुंड्स विदाउट ब्रूसिंग या मैकेनिकल पंक्चर नर्व इंजुरी के केस में हाइपेरिकम दीजिए। रूटा ग्रेनस पेरिस्टेनियम बोन कवरिंग इंजुरीज के लिए रूटा। माउथ वॉशेस में आप सेलाइवा मदर टिंचर को यूज कर सकते हैं। कार्बोवेज 30 सिम्फाइटम 200 फॉर लूज टीथ, जब आप दांत हिल रहे हो कोई प्रॉब्लम की वजह से, मसूड़े गम की प्रॉब्लम की वजह से, आप कार्बोवेज और स्टेप सिग्रिया दीजिए सिम्फाइटम 200। अगर आप पस पड़ गया हो, किसी बॉइल्स हो गई हो या तो मसूड़े में पस बन गया, उसको निकालना है, आप साइलेसिया दीजिए, इसको सर्जन नाइफ भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव सेलाइवेशन, आपको सेलाइवा ज़्यादा बन रहा है, मर्क्यूरियस वाइवा दीजिए। मेटालिक टेस्ट फॉर माउथ, अगर ऐसा मेटालिक टेस्ट आ रहा हो, स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करती है। टूथेक या टूथ सेंसिटिविटी, दांत के दर्द में आप प्लांटे को मदर टिंचर से गार्गल भी कर सकते हैं। और हकला लावा या मर्क्यूरियस वाइवस, टूथ डीके स्वेलिंग या फिर पेरी एपिकल सिस्ट एप्सेस में बहुत अच्छा उपयोग है। केलकेरिया फास फॉर पेन इन द जॉस एंड बोन पेन। कालीफोस इज अ गुड फॉर रिसेंट ब्लीडिंग गम्स। कैल्शियम फ्लोराइड ब्रिंग अबाउट रिमिनरलाइजेशन ऑफ द इनेमल्स। एंड लास्ट मेडिसिन आर्निका, जो सर्जरी में बहुत अच्छा उपयोग करती है। सो आई होप यू आर गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस माई ब्लॉग, गो थ्रू एंड वॉच। थैंक्स। नेचुरल वे टू ट्रीट नेचुरल डिसीज। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जीवन में व्यस्त।